कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और पिछले एक हफ्ते से अगर बात की जाए तो लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये तमाम जो पहलवान हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इस पूरे मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के जो आरोप लगाए जा रहे थे उसमें FIR दर्ज कर ली गई है और दो FIR कुशल इस पूरे मामले में FIR दर्ज की गई है, जिसमें एक पॉक्सो एक्ट के तहत भी जो है वो FIR दर्ज की गई है। उसके बाद जांच में क्या कुछ होगा ये निकल कर सामने आएगा, लेकिन जिस तरह से ये पूरा हंगामा हुआ है उसके बाद से राजनीति होना भी तय माना जा रहा था और निश्चित तौर पर राजनीति होना शुरू भी हो गई है, क्योंकि आज जहां पर ये तमाम जो खिलाड़ी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जो है वो भी वहाँ पर पहुंची थी और खिलाड़ियों के साथ उन्होंने मुलाकात की, उनसे बातचीत की। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे और खिलाड़ियों के साथ उन्होंने भी संवाद किया और इन सबके बीच राजनीति जो है वो शुरू हो गई है और इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर जिस तरह से महिला पहलवानों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितना दम है और ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से जो सफाई दी जा रही है ये क्या है, तो इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हम खिलाड़ी हैं, ये बार बार हम मेंशन कर रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। और एक लास्ट बात मैं मेंशन करना चाहूंगी, यहाँ आके जो भी स्पीच देता है, जो भी एग्रेशन की स्पीच देता है या हमारे धरने को भटकाने की कोशिश कर रहा है उसका जिम्मेवार वो खुद हो। इतने जो सीरियस एलिगेशन है इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज़्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि FIR इन्वेस्टिगेशन क्या मतलब है? हमारे देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियों को हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया। वैसे तो हमारे देश की किसी भी लड़की के साथ, हमारे देश की किसी भी बहन के साथ, हमारे देश की किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत काम हो उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ के सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए। FIR की कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन FIR हो ही गई होगी और जो जांच एजेंसी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस है उसके उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है, मुझे किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। जांच एजेंसी जहाँ भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूँ। जवाब सामने आया है और ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी सफाई दी है और कई बातें उन्होंने भी रखी हैं, उन सब पर चर्चा की जाएगी। तमाम जो मेहमान हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। तो देखिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ समीर सिंह जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ सैयद मोहम्मद तकी जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ विकास श्रीवास्तव जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए हैं और इसके अलावा चंद्रशेखर लूथरा जी सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं समीर जी आप ही से शुरुआत कर लेता हूँ कि देखिए जिस तरह से आरोप जो है वो लग रहे हैं, आपने देखा
और इसकी शुरुआत जो है काफ़ी पहले से हो गई थी। जनवरी से अगर बात की जाए तो जनवरी से इस पूरे मामले की शुरुआत हो गई थी और 3 महीने के बाद जो आरोपों का जो दौर है वो लगातार जारी है और अब इस पर सियासत भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। क्या कहेंगे आप इन तमाम आरोपों पर जो तमाम जो महिला पहलवान हैं उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं? शांतनु, सबसे पहले तो ये कोई नया मसला नहीं है। इनफैक्ट मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये 3 महीने तक, क्योंकि अगर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं और जिनके द्वारा वो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये कोई आम छेड़छाड़ की बात नहीं है कि कोई राह चलते हो किसी ने कोई छेड़ दिया हो और उसकी क्या कहते हैं कोई रिपोर्ट लिखनी हो। ये बात हो रही है हमारे देश की उन महिलाओं की जिन्होंने देश को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पे प्राउड फील कराया है, हर हिंदुस्तानी को प्राउड फील कराया है। रेसलिंग की जो दुनिया है उसमें इन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है, पदक लेके आई है, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियाड गेम्स हो। तो ऐसी स्पोर्ट्स महिलाएं की जब ऐसे आरोप लगाती हैं तो ये जनवरी में आरोप लगे, जनवरी में धरने हुए और उसके बाद फिर हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने, अनुराग ठाकुर जी जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या किया, बुलाया, बेमतलब की बातें हुई और ये मामला थोड़ी देर के लिए कुछ दिनों के लिए रफा दफा हो गया। लेकिन आज वापस से 3 महीने बाद जब ये धरने पे बैठी हैं हमारी बहनें, तब ये बात समझ में नहीं आ रही कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी महिला सशक्तिकरण की बात करती है उसके बाद इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे पिछले 4 महीने से शांत मौन रख के बैठना, चाहे भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी महिला सांसद हों या महिला पदाधिकारी हों बड़ी बड़ी, जो कि बड़ी बड़ी बातें करती हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में, उनका कोई बयान, कोई ट्वीट, कोई कुछ नहीं आ रहा है। वो सामने खुल के, क्योंकि बिजभूषण चरण सिंह उनके पार्टी के सांसद हैं तो उन पे एक जवाबदेही उन पे बनती है, लेकिन एक भी बयान नहीं आ रहे हैं। और किसी ना किसी तरीके से अभी हम देखें कि इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ती है पुलिस को FIR करने के लिए। तो आप देख लीजिए कि अगर एक तो देख लीजिए कि कानून व्यवस्था या फिर किस सिस्टम से हम चल रहे हैं कि इतना बड़ा कांड हो जाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है पुलिस के मामले में कि आप FIR लिखिए। FIR लिखवाने के लिए हमारे देश की महिलाएं, अगर हम उनको एक स्पोर्ट्समैन हटा भी देते हैं, अगर उनको एक आम महिलाओं की तरह भी हम ट्रीट करते हैं, आम बेटियों की तरह ट्रीट करते हैं, तो एक महिला के लिए एक FIR लिखवाना कितना मुश्किल काम है। और पुलिस भी, जो कि पुलिस किसी भी बात पे FIR लिख के किसी को भी अंदर कर देती है आजकल, तो उसमें उसके बाद क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बृजभूषण चरण सिंह का मामला है तो एकदम पुलिस भी कुछ नहीं डर में है, पता नहीं सर किस डर में है कि कोई FIR नहीं लिखी जा रही, कुछ नहीं लिखी जा रही। ठीक है, तो देखिए ये जो आज ये जो हमारे सामने आज जो डिबेट आज हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, क्योंकि अभी जैसे जैसे आज डिबेट बढ़ेगी हम इसके और सारे पॉइंट्स पे जाएंगे कि कितना हमारे देश के लिए ये नुकसानदेह है। सिर्फ हम महिलाओं के लिए नहीं, सैयद मोहम्मद तकी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे जो मुद्दा चल रहा है। और आज तो मुख्यमंत्री जी दिल्ली के वो खुद वहाँ पर पहुँचे थे, खिलाड़ियों के साथ संवाद करते हुए भी वो नजर आए। उन्होंने कहा कि देखिए इस तरह के आरोप अगर लगते हैं तो सीधा जो भी इस तरह इस पूरे मामले में दोषी पाया जाता है, इस तरह से महिलाओं के साथ यौन शोषण जैसे गंभीर अपराध, तो उसको फांसी दे देना चाहिए, इस तरह की बातें जो है वो मंच से करते हुए नजर आए। देखिए ये बहुत ही निराशाजनक है, बहुत अफसोस होता है इस तरह देखे कि हमारे राष्ट्रीय लेवल के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, स्पेशली महिलाओं के साथ। अभी आमिर खान की पिक्चर आई थी जिसमें उन्होंने दिखाया था कि लड़की है तो क्या हुआ, वो भी तो मेडल ला सकती है, आप दंगल में देखा, जिसने लोगों की जहनियत को, मानसिकताओं को, जैसे ही समाज महिलाओं के प्रति बहुत उदारवादी नहीं रही थी उसको चैलेंज किया था और महिलाओं को पटल पर ला के रखा था। लेकिन जब इस तरह के कुकर्म हो रहे हैं, इस तरह के घटनाएँ घट रही हैं, तो एक समाज के वो लोग जो इस तरह की गलत सोच रखते हैं उसको भी एक तरह से और सही ठहराने की कोशिश होती है। और वो भी मंत्री, एक मंत्री जो MP रह चुका है वो, और जो एक बहुत महत्वपूर्ण पद पे है, उसका बेटा उसका उपाध्यक्ष बना दिया गया है, वो ये इस तरह के काम कर रहा है। आप देखिए राजीव गांधी, इसे राहुल गांधी के मसले में फटाफट कैसे उनसे रिजिग्नेशन ले लिया गया, उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई, MP सांसद की मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई। लेकिन इस मामले में जो मामला कई पिछले 2-3 महीने से लगातार चल रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, वो आज भी सांसद हैं, वो आज भी उस पद बने हुए हैं, उनको कैंसिल नहीं किया गया, वो उनका पद वहीं से बना हुआ है। तो BJP के अंदर से एक सवाल ये उठता है, दो सवाल इसमें बड़े गंभीर हैं, देखिए समझना पड़ेगा शांतनु जी। एक तो ये सवाल है कि बहुत से लोग जो हैं अपनी समस्याओं को लेकर अलग अलग लड़ रहे हैं। हमने देखा किसानों ने आंदोलन किया, आज खिलाड़ी बहनें आंदोलन कर रही हैं, सैनिक आंदोलन कर रहे हैं,
सब लोग भारतीय जनता पार्टी के उत्पीड़न से परेशान, इन सब एक साथ आने चाहिए, इन सबको एक साथ आके आंदोलन करना चाहिए और अपनी नाराजगी को जाहिर करना चाहिए ताकि इनको प्लेटफॉर्म मिले। दूसरा सवाल होता है, इस तरह के जो कैरेक्टर निकल के आते हैं, इस तरह के जो आरोप लगते हैं, वो लोग बीजेपी के लोग ज़्यादातर के होते हैं। आपने देखा अभी उत्तर प्रदेश में किस तरह की घटनाएं चिन्मयानंद के साथ हुई, कुलदीप सेंगर के साथ भी आरोप लगा, अब इनके ऊपर जो आरोप लग रहा है जो बीजेपी के सांसद हैं गोंडा से, तो इस तरह के आरोप बीजेपी के लोगों पे क्यों लग रहे हैं? तो बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत आत्ममंथन करने की जरूरत है। और जो योगी जी कहते थे कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, और ये तो महामाफिया हैं, ये तो महामहोस इनके ऊपर जो केस संगीन नारा लगी हैं, ये तो महामाफिया हैं। और ये मुख्यमंत्री के बगल में बैठते हैं, आशीष टेनी का लड़का सिपाहियों के साथ मूछों पे ताव देके चलता है, ठीक है, तो इसलिए अपने माफियाओं को तो मंत्री बना रहे हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ विकास श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। विकास जी, देखिए सीधा सीधा आरोप जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर लगा है कि ये जो पूरी चाल है कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन इसके पीछे है और एक कांग्रेस पार्टी इसके पीछे है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, चूंकि आपके ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर सीधा आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा लगाया गया है? देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है जी। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, उसका दोहरा चरित्र साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पर वोट लिया, सत्ता प्राप्त किया, और आज आधी आबादी के स्वाभिमान पर सीधा कुठाराघात हो रहा है। जो महिलाएं रेसलर हैं, जिनके सामने अच्छे अच्छों की हैसियत नहीं हो सकती है, उठा उठा के पटकती हैं जो महिलाएं, आज उनको अपमानित होना पड़ रहा, उनके आंसुओं से ये भारत शर्मसार हो रहा वैश्विक स्तर पर। ओलंपिक खेल में जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है, उन महिलाओं को उत्पीड़ित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार द्वारा। 48 से ज्यादा सांसदों के ऊपर महिला उत्पीड़न के मामले हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ईडीआर की रिपोर्ट है, सर्वे की रिपोर्ट है। भारत की राजनीति में महिलाओं को लेकर जिस तरीके का उत्पीड़नात्मक रवैया भारतीय जनता पार्टी का रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। इनका जो मात्र संगठन है आरएसएस, उसके अंदर कभी भी उसकी प्रमुख महिला नहीं हो सकती है। आदरणीय सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी जी पिछले 32 सालों से महिला आरक्षण बिल के लिए लगातार आवाज उठा रही है, पर संसद में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद महिला बिल को लेकर सभी चुप है। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार महिला बिल का विरोध किया। जब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कोई विषय को लेकर आए, तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उपहास उड़ाया। बेटियों के स्वाभिमान सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए जितने भी योजनाएं, जितने भी प्रोग्राम चलाए गए, उसमें लूटपाट हुई। बाल विकास, पुष्टाहार और महिलाओं के विकास के लिए जो फंड था, उसको संसद की प्रवर समिति ने कहा कि उसमें से 74% फंड को खा लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप केवल धर्म जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं, समाज में महिलाएं भी आती हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से महिलाओं से कहेंगे, आप धर्म जात से ऊपर उठिए, अपनी स्मिता अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़िए, क्योंकि जो 1947 से लेकर जो 70-72 साल का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में महिलाओं ने पीटी उषा से लेकर कर जी हिंदुस्तान में प्रतिभा देवी पाटिल और आज द्रौपदी मुर्मू जैसा व्यक्तित्व के रूप में महिलाओं को नेतृत्व दिया है, विश्व की माता के रूप में प्रस्तुत किया है। पर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग माताओं के नाम पर, बहनों के नाम पर वोट तो लेते हैं, उनके लिए उनका जो निर्भया फंड है, उनकी सुरक्षा के लिए जो फंड है, उनके विकास के लिए जो फंड है, उसमें लगातार कटौती करते हैं। और बेरोजगारी और महंगाई की सबसे बड़ी मार अगर कोई झेल रहा है तो हमारी माताएं बहनें झेल रही है, हमारी बेटियों को झेल रही है। बेरोजगारी के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर किसी ने आवाज उठाई है तो वो महिलाओं ने उठाई। ठीक है विकास जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। धर्म जात के कृष्णा दीक्षित जी, आप महिलाओं के नाम पर वोट तो लेते हैं, लेकिन देखिए महिलाओं को वो सुरक्षा जो है वो नहीं दे पाते हैं। विकास श्रीवास्तव जी जिस तरह से कह रहे हैं कि महिलाओं के नाम पर बीजेपी वोट तो खूब लेती है, लेकिन एक एफआईआर, देखिए एक एफआईआर जो है इन महिलाओं को लिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। विकास श्रीवास्तव जी झूठ बोल रहे हैं। देखिए विकास जी, आप बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था, अब आप सुनिए। ठीक है बोलिए, आप अपनी बात रखिए, विकास जी नहीं बोल रहे। हमारी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से महिलाओं का सम्मान करती है। शायद वो भूल गए कि आज जनजाति समाज की महिला को भारत का राष्ट्रपति बनाया है। किसने बनाया है? भाजपा ने बनाया है, मोदी जी ने बनाया है। इसलिए अगर ये कह रहे हैं कि भाजपा महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, हम एक ऐसी महिला का सम्मान कर रहे हैं जिसे आदिवासी के समाज से लिया गया है, जिसे कांग्रेस के लोग
हमेशा अछूता समझते थे, उस समाज की महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी और योगी जी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया सशक्तिकरण के नाम पर। फिर एक एफआईआर लिखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ता है कृष्णा जी, इसका जवाब दीजिए ना। एक महिला पहलवानों को एफआईआर लिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को क्यों देना पड़ता है जी? महिला पहलवानों को कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ा, वो जहाँ चाहती वहाँ एफआईआर दर्ज होती और उनकी एफआईआर दर्ज हुई है। हमारे युवा खेल मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी ने कहा जहाँ पर चाहे महिला जो पहलवान है उनकी एफआईआर दर्ज होगी, और अनुराग ठाकुर जी ने एक समिति बना दी है, वो समिति जांच कर रही है, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाजपा कभी महिलाओं का अपमान नहीं कर सकती है, ठीक है, न सहन कर सकती है। अनिल लहरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिला ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव हैं। अनिल जी मैं आपके पास आऊंगा, ये जो जितने भी आरोप लग रहे हैं किस तरह से देखते हैं आप ये तमाम महिला खिलाड़ियों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है और उसकी सफाई जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 2012 से जो है इसी तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं और खासकर एक पैटर्न जो है उसके आधार पर कि एक जो एक अखाड़ा एक फैमिली इस तरह की बातें जो है ब्रजभूषण शरण सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो आरोप लग रहे हैं किस तरह से आप देखते हैं इनको? देखिए शांतनु जी, मैं काफी समय से आपका भारत समाचार देख रहा हूँ और टीवी पर मैं देखता रहता हूँ, तो मैंने मेरी समझ में जो आता है खिलाड़ियों के हित की सारी बात होनी चाहिए और जो भी प्रत्यारोपण आरोप जो लगते हैं खिलाड़ियों पर, और खिलाड़ियों आज से नहीं कई वर्षों पहले से भी ये प्रत्यारोपण लगते रहे हैं और कुछ ऐसी महासंघ एसोसिएशनों के द्वारा समितियाँ गठित की जाती हैं, जब भी ऐसे गंभीर से आरोप लगाए जाते हैं किसी भी अधिकारी पर या पदाधिकारी पर या खिलाड़ी पर, तो जब भी ऐसी एक समिति गठित की जाती है उस समिति का जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता है जब तक हम उसको दोषी नहीं मानते हैं। और दूसरा, ये जो भी महिलाओं पर खिलाड़ियों पर जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय हैं और निराशाजनक हैं, क्योंकि जो आरोप हमारे खिलाड़ी लगा रहे हैं तो किसी ना किसी कुछ ना कुछ चिंगारी हुई होगी और आग जब भी भड़कती है जब चिंगारी उठती है, तो ये खिलाड़ियों के साथ बड़ा निंदनीय विषय है और मैं समझता हूँ बड़ा शर्मनाक है हमारे देश के लिए कि ऐसे आरोप किसी भी पदाधिकारियों पर और ऐसे व्यवहार भी हमारे खिलाड़ियों के साथ नहीं होना चाहिए। आज खिलाड़ी क्यों ऐसे खड़े हुए हैं उनके खिलाफ कि ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं? आरोप समझें जब तक हम किसी समिति का निर्णय नहीं आ जाए और किसी भी चीज़ का जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता है तब तक हम उसको कैसे दोषी मान सकते हैं? लेकिन फिर भी खिलाड़ियों के साथ ऐसी अभद्रता और ऐसे व्यवहार बिल्कुल निंदनीय है, बहुत शर्मनाक हैं, जो कि हमारे देश को लज्जित करते हैं और हमारे खिलाड़ियों की खिलाड़ी जो हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, कितनी मेहनतों से वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच पाते हैं ये आप उनकी मेहनत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो मैं एक स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूं इसलिए मैं इन खिलाड़ियों की भावनाओं को समझ सकता हूं और इन भावनाओं को जब ठेस पहुंचती है तो ये मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं, किसी भी पार्टी पर प्रत्यारोपण और आरोप नहीं लगाना चाहता और लेकिन ये सब चीज़ें जब आ जाती हैं उसके बाद तो वहाँ पर आपको और जो आला कमान है हमारे जो देश के जो भी हमारी कानून व्यवस्था है उसको निश्चित रूप से बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, ठीक है। और जब ऐसा होता है और किसी भी कोई लोग ऐसे पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मैं खिलाड़ियों का समर्थन इसलिए करता हूं कि खिलाड़ी बहुत मेहनत करता है, हमारे देश का नाम रोशन करता है, मेडल प्राप्त करता है और देश को का नाम रोशन दुनिया में करता है, ठीक है। चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खेल भावना को समझना चाहिए, ठीक है। अनिल जी मैं वापस आऊंगा आपके पास। चंद्रशेखर जी आप देखिए खेल जो है वो लगातार कवर करते होंगे कि किस तरह से देखते हैं आप ये जो आरोप तमाम लग रहे हैं? अनिल जी कह रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होगी, चाहे धुआं जो है वो निकल रहा है। आप क्या मानते हैं ये जिस तरह से आरोप पिछले 3 महीने पहले भी लगाए गए तब ये कहा गया कि अभद्रता की जाती है, उनके साथ गाली गलौज की जाती है और अब यौन शोषण के जो आरोप हैं वो भी लग गए हैं, हालांकि इस पूरे मामले में अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है। किस तरह से देखते हैं आप ये पूरा जो आरोप है?
देखिए पहली बात FIR दर्ज नहीं हुई है, दर्ज करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जी, और कहीं ना कहीं शर्म आनी शुरू हो जाती है। ये लोग जैसे मुझे नहीं लगता है पार्टी वालों को, क्या सच में एक हम तालिबानी समाज बनाना चाह रहे हैं जहां पर लड़कियों की बात नहीं सुनी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से 2013 के कोई लड़की अगर कहती है कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है FIR कीजिए, उसके उस पर इन्वेस्टिगेट कीजिए। यहाँ एक अलग नई चीज आ गई है कि ये कांग्रेस ही है। अरे भाई कांग्रेस की लड़कियां क्या कांग्रेस अपमान सहेगी? क्या कोई आम आदमी पार्टी की लड़की से अपमान सहेगी? 3 महीने पहले यहीं पर इन्हीं लड़कियों ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं आने दिया था फॉर द सिंपल रीजन कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना है। आज वो कह रही आई है क्योंकि हमारी सुन नहीं रहे। तो क्या बीजेपी वाले अगर कांग्रेस की लड़की होगी तो उसकी FIR नहीं होंगे या आम आदमी पार्टी वाले सपोर्ट करेंगे? नहीं, कितनी अजीब बात है। और दूसरा जो लोग ये कहते हैं कि जी इन्वेस्टिगेट हो रहा है, तो शर्म आनी चाहिए आपको कि 3 महीने से इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। और मुझसे पूछिए, सभी को मालूम था IOA और इधर उधर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कि अप्रैल में फर्स्ट वीक के आसपास रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दिया, उसको सार्वजनिक नहीं करते। वहां पर एक फोगाट सिस्टर बबीता फोगाट बोलती है कि मैं पढ़ने लगी थी, मेरे हाथ से छीन ली, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो उसमें प्रतिनिधि है। ये किस तरह का समाज आप बना रहे हैं? क्या ये लड़कियां जिसको प्रधानमंत्री कहते थे कि मेरी फैमिली की बेटी है ये, तो विलेश फोगाट, आज वो सडनली क्या कोई और लड़की होगी? वो इस देश को रिप्रेजेंट नहीं करती। मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, मुझे किसी खैर अनफॉर्चुनेटली फिर से वही कि रूलिंग पार्टी के किसी एक व्यक्ति ने मुझे कल के प्रोग्राम के बाद फॉरवर्ड किया। इतना शर्मनाक मैसेज है, उसमें आप एक तरह से ऐसे ट्रॉल बन गए आप एज ए पार्टी वर्कर कि लड़कियों को ये बता रहे कि आप क्यों मैटर नहीं करती, आपका प्राइम पीछे हो गया, आपके जगह कोई यंगस्टर्स आ गए, आपको शर्म आनी चाहिए, कुछ भी अब आपके बस की नहीं है। आप ये क्या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये लड़कियां आपकी इज्जत हैं, ये लड़कियां प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये लड़कियों के साथ बात करते हुए चाय पे चर्चा पे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी फैमिली की है। प्रधानमंत्री को क्या हो गया? कोई catch-22 सिचुएशन है क्या कि कर्नाटका में इलेक्शन है, बीजेपी के निकाय चुनाव है आपके यूपी में जहां पर ब्रिजभूषण सिंह की 6-8 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइन का प्रभाव है, वहां से आप हार जाओगे? क्या सिर्फ इलेक्शन हारने से लड़की की इज्जत बचेगी? क्या इलेक्शन जीतना ही सब कुछ इन लड़कियों के लिए सब कुछ मैटर कर गया कि इनकी तभी FIR होगी? देखिए शर्म आनी शुरू होगी। मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, मैं स्पोर्ट्स कवर करता हूं, लेकिन 30 साल से मैंने इस तरह की गंदगी कभी नहीं देखी जब आपको इस तरह से ट्रॉल किया जाता है। चंद्रशेखर जी, आज उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज देखा होगा आपने, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और उनका ये कह रहे थे कि एक ऑडियो उन्होंने दिया है जिसमें धरने पर बैठा एक खिलाड़ी लड़की से ये कह रहा है कि किसी तरह एक लड़की का इंतजाम कर दो, मतलब 3 महीने तक लोगों को भड़काएंगे, आरोप लगाएंगे, और फिर कहीं से किसी लड़की को पेश कर दिया जाएगा कि यौन उत्पीड़न इसका हुआ है। इस तरह का जो बयान है वो ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से दिया गया है। देखिए मैंने कहा ना कि ये है बाहुबली लोग, इनको हमने अच्छे से, मैं तो बार बार कल भी आपके प्रोग्राम पे कहा था किस तरह मेडल जीतने के बाद साक्षी मलिक को धमकाया था किस तरह से कि तुम मीडिया से बात नहीं करोगी, किस तरह इनकी अपनी जो 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 मानसिकता है जिस वजह से एक कितना हटपन, उसकी वजह से इंडिया का एक मेडल खोया था हमने रियो में जब सुशील कुमार की जगह नरसिंह यादव और ये सब कंट्रोवर्सी हुई थी। देखिए ये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता रेसलिंग में क्या हो रहा है, ये बाहुबली है, इनका एक रसूख है, ये जब कहीं पर सरकारें गोवा में बननी होती है जहाज उड़ा करके ले जाते हैं और बीजेपी की गवर्नमेंट बनाते हैं। आप उस वजह से इन लड़कियों को पेनलाइज करोगे क्या? एक बहुत सिंपल रूल है, एक नाबालिग लड़की अंडर 16 ईयर थी, उसने बोला इन्वेस्टिगेट कीजिए, जेल में डालिए, अगर दूध का दूध पानी का पानी कल को हो जाएगा। ये क्या धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को? और कल को इलेक्शन जब एक बार निकल जाएगा इनको तो यहां से उठाकर भी फेंक देंगे, ये तो हमने कई इंस्टेंस इधर देख लिया। मेरे साथी पत्रकार सदीकी कप्पन को खेल कहीं पर कवर करने जा रहे थे हाथरस, उनको 2 साल जेल में रखा। मेरे साथी पत्रकार को कहीं और आप उठा करके कहीं पर जेलों में मार जुबे फेंक चक्कर है, उनको 1.5 साल आपने जेल में रखा। क्या दिखा रहे हो आप? किस तरफ सोसाइटी की तरफ हम जा रहे हैं? लड़कियों की आप सुनेंगे नहीं, शाहीन बाग को आप खराब बोलेंगे, पर जो जो किसान बैठेंगे उनको खालिस्तानी बोलेंगे, स्पोर्ट्समैन आ गए तो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को, क्या है ये सोसाइटी? क्या हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या हम इनके 2-4 ट्रॉल और ये जो जो घटिया से कुछ लोग राजनीति करते हैं उनकी बातों पर जाएंगे? प्रधानमंत्री बेटी बोलते हैं, वो बोलते हैं, अरे बेटी बोलते तो आइए दिखाइए
जंतर मंतर पर बैठिए और कहिए कि यहाँ पर बिल्कुल एफआईआर होगी, मैं इनके साथ हूँ, जब तक नहीं होगा मैं नहीं उठूंगा। कि किसके मन की बात आप कर रहे हो, किसके लिए बता रहे हो आप? चंद्रशेखर जी, पिछली बार जब धरना ये तमाम खिलाड़ी दे रहे थे तो इन्होंने साफ कहा जाए कि कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति अगर वहां पर जा रहा था तो उनको मना कर रहे थे। Absolutely. इस बार ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या आपको लगता है जो जो जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी एक तरह से तो ताकत है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है पॉलिटिक्स की वजह से? देखिए बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं मुझे मालूम है लास्ट टाइम जब 18 जनवरी को ये लोग बैठे थे ये बहुत क्लियर थे कि हम आए हैं, हमें मालूम है किस तरह यौन शोषण, और कोई नई चीज नहीं थी, हमें बहुत पहले से पता था, बहुत कुछ अंदर हो रहा था, सिर्फ एक एक फेडरेशन में नहीं और फेडरेशन से भी ये आवाजें उठती रहती है। तो उन्होंने कहा हमें इसे पॉलिटिकल नहीं बनाना। तो क्या हुआ, उनको आए रात को 12 बजे उनको उठा दिया, एक कमेटी बनाई जिसको मानने को कोई तैयार नहीं थे। एमसी मैरी को कौन विश्वास करता है, इन पे पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज है, इनको राज्यसभा चाहिए, इनको कुछ और चाहिए। देखिए हम डिबेट बहुत करते हैं, मैंने कहा ना मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, लेकिन हम सब समझ तो रहे हैं ना क्या हो रहा है। आप डिबेट होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को बाद में रिटायरमेंट के कोई पद नहीं लेना चाहिए, तो सेम हैपेंस विद स्पोर्ट्समैन भी ना। मैरी कॉम तो मालूम है सरकार की बोली बोलेंगी, अब आप पीटी उषा को देख लीजिए किस तरह लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज की गवर्नमेंट आपके छोटे छोटे से क्या कहते हैं गोलियां खिला रही है, मीठी गोलियां, और आप खा रहे हैं, उसका मतलब है कि सब लोग गलत हो गए। आज इसीलिए इन्होंने इस बार ये क्वेश्चन हमने भी इनसे पूछा था कि अब आप क्यों बुला रहे हैं, कहते सर जी अगर इनको नहीं बुलाएंगे तो हमें तो यहाँ से यही नहीं पता चलता किससे बात करें, पुलिस वाले पानी नहीं आने दे रहे, पुलिस वाले टॉयलेट्स को हटा रहे हैं, पुलिस वाले दबाव डाल रहे हैं उठिए वरना रात को हम कुछ कर देंगे। ये किस तरह की है, क्या है ये सोसाइटी? हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, हम स्पोर्ट्स में प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा मुझे याद है जापान जाने से पहले का कि अब देखिए हम मेडल आएंगे, ऐसे जैसे बीजेपी लाएगी मेडल, मैं बीजेपी नहीं ला रही, आपकी बच्चियां ला रही है, इन बच्चियों को प्रोटेक्ट कीजिए प्लीज, वरना ये वही फोगट सिस्टर्स है, ध्यान रखिएगा उस फैमिली की कि जिसके अगर जिसके बाप सोसाइटी के अगेंस्ट चलकर अगर अपनी बेटियों को ट्रेनिंग ना करते तो आज रेसलिंग तो भूल जाइए, किसी भी जगह पे आपकी बेटियां बहुत अच्छा नहीं करती थी, सिर्फ यदा कदा कभी पीटी उषा या बैडमिंटन या क्रिकेट या टेनिस में लड़कियां आती थी ज्यादा, इन गेम्स में जो इम्पैक्ट गेम्स है, जो फिजिकल गेम्स है, इसमें कभी नहीं आती थी डर के मारे, क्योंकि खाप पंचायतें कोई और पंचायतें कभी एनकरेज ही नहीं करती थी इनको। आज किसी व्यक्ति ने उसको उस सिस्टम को पलट कर आज आपके देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, जब रियो में पहला पदक नहीं आ रहा था 10 दिन गुजर गए थे, हम लोग खाली हाथ आने को तैयार थे, पहली बार साक्षी ने जब पदक लाया कैसे पूरा देश उमड़ पड़ा, उस दिन भी ब्रिजभूषण ने उनको रुलाया था, पर खैर वो अलग बात, लेकिन साक्षी और पीवी सिंधु ने आपकी इज्जत रखी थी, आज कहां गई वो इज्जत? मैं तभी तो आपको बार बार कह रहा हूं, मुझे कई बार डर लगता है हम किस समाज की तरफ जा रहे हैं, क्या हम यहाँ के कोई हिंदुस्तानी तालिबानी बनने की कोशिश कर रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से और उनके तमाम समर्थकों की तरफ से बीजेपी भी ये कह रही है कि एक आदमी की को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। खेल मंत्री ने कहा कि हमने एक कमेटी जो है वो उसका गठन कर दिया, वो जांच कर रही है, उस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो नहीं आ पाई और उससे पहले ही ये तमाम जो खिलाड़ी हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ ऐसा पहली बार नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर केस लगाया था तो पूरा प्रशासन कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने में लग गया था, जब यहाँ लखनऊ में हाईकोर्ट ने फटकारा उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और केस को ट्रांसफर करना पड़ा दिल्ली में। चिन्मय आनंद के साथ भी ऐसे ही हुआ और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं प्रतिष्ठित नेता जिनका नाम आया उनको बीजेपी ने हमेशा बचाने की कोशिश की। यही अमित शाह ने कहा था उत्तर प्रदेश में रात में अगर बेटियाँ स्कूटर में कर जाएं तो सुरक्षित हैं वो, और उन्हीं के मंत्री जो गोंडा से जो एमपी हैं उनके ऊपर इस तरह के संगीन आप पास्को में लगा, पास्को तो बहुत ही संगीन आरोप है कि आप छोटी बच्ची 16 साल की बच्चियाँ 18 साल की बच्चियों के साथ इस तरह का कर रहे हैं और आप देखिए इसमें 7 साल की जेल है और जो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है। यही मैं बात कर रहा हूं जब राहुल गांधी के ऊपर ऐसा केस आया 3 साल की सजा थी उनकी जो है संसदीयशिप आपने कैसे कर दी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे और इनको अभी तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रखा गया, इनको वहां से हटाया नहीं जा रहा है। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी बायस है सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि वो एक महामाफिया है, उसकी इतनी पकड़ है
चुनाव के ऊपर और क्षेत्र के ऊपर कि बीजेपी जो है वो हिम्मत नहीं कर पा रही उसको हटाने का, और भारतीय जनता पार्टी को जो माफिया है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, और जो जो योगी जी कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी मिला देंगे। राहुल जी का मामला भी दो साल से ज्यादा तक चला ना, नहीं एफआईआर होने के बाद, लेकिन वो कम होने के बाद वो कम मामले की जब सुनवाई हुई, ये ज्यादा संगीन मामला है, ये कोर्ट ने जब फैसला दिया उसके बाद आनंद फानंद में उनकी सदस्यता जो है वो कोर्ट ने कहा ना, जो कोर्ट ने कहा ना इस पासों के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, ये तो कोर्ट ही ने तो कहा है, ये और हाई सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ है। तो जब वहाँ राहुल गांधी के साथ आपने फटाफट, जो कि इतना संगीन मामला नहीं था, वो तो राजनीतिक बयान था, बहुत सारे बयान देते रहते हैं, ये तो इतना संगीन मामला है, ठीक है, उसके अंदर कार्रवाई नहीं करी जा रही है। एक मिनट, मैं 30 सेकंड 30 सेकंड में लूंगा। मैं सभी लोगों से, आम आदमी पार्टी के जरिए मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, सभी अच्छी पार्टियों से, सभी संस्थाओं से, जितने यूनियन है, इस सैनिकों से, पूर्व सैनिकों से, सब लोग इस मंच पे आए, अपनी बात को रखें, क्योंकि बीजेपी हमेशा लोगों को तोड़ के लड़ रही है, अलग अलग तरह से कर रही है, सबको एक साथ आना चाहिए, किसान वाले मामले में सबको साथ आना चाहिए, सैनिकों के मामले में सबको साथ आना चाहिए, मजदूरों के मामले में, वकीलों के मामले में, पत्रकारों के मामले में, इस मामले में सबको एक साथ आना चाहिए, ताकि बीजेपी लोकतंत्र की नींव है उसको कमजोर ना कर सके। मैं सभी अच्छी पार्टियों से और सभी भाइयों, सभी यूनियन से अपील करना चाहूंगा। आज मैंने अरविंद केजरीवाल से अपील की थी, संजय सिंह से अपील की थी सुबह 10 बजे, और मुझे फक्र है कि मुझे एक घंटे में खबर आई कि अरविंद केजरीवाल जी वहां जा रहे हैं, तो सबको सारी पार्टी के लिए चाहिए। तकी जी, खिलाड़ियों के, देखिए खिलाड़ियों के जो आरोप है, उन्होंने कहा कि इनको हटाया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, ये अगर आरोप, जो तमाम आरोप लग रहे हैं, अगर उनकी जो मांगे हैं मान ली जाती हैं, तो फिर इस तरह का जो आप आंदोलन करने की एक बात कर रहे हैं, वो आंदोलन की क्या जरूरत है? देखिए, इसमें जो सजा हो रही है पास्को के तहत वो एक आध, लेकिन केस तो बहुत ज्यादा है इसमें, तो जो फोगट आप कह रही है, एक 100 से ज्यादा बच्चों के साथ इस तरह का हुआ है, तो कितना संगीन मामला है, और इनको इसमें और बड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चियां देश को रिप्रेजेंट करती हैं, देश के तिरंगे को रिप्रेजेंट करती हैं, देश के गौरव को अभिमान होना चाहिए कि देखिए एफआईआर जो करिए जल्द से जल्द पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, और जो भी देश का, जो भी पूरे देश का अपमान है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए समीर जी, क्योंकि देखिए पॉक्सो एक्ट के तहत अब मामला दर्ज हो गया है, गंभीर मामला है ये, और अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे, और अगर जो दोषी है उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। समीर जी, और शायद यही आज भी नहीं, जब जनवरी में भी इन लोगों ने जब वो प्रदर्शन किया था, जब धरने पे बैठी थी जो भाई महिलाएं, जो स्पोर्ट्समैन है, तब भी उनकी एक डिमांड ये भी थी कि जो एफआईआर होनी है या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी है, उससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह अपने सदस्यता, अपने पद से इस्तीफा दे, और वो बिल्कुल सही मांगे। जैसे आज भी हमने देखा, आज भी जो बयान आ रहे हैं ब्रजभूषण जी के, कि क्या कहते हैं, हम नहीं सदस्यता, मैं पद छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस्तीफा देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक क्रिमिनल की तरह दिखूंगा, मैं एक, तो फिर लेकिन बात यही है कि आप उस पोस्ट पे हो जिनके पोस्ट पे आपको पास इन्फ्लुएंस करने की पावर है। अभी जो 3 महीने से अगर इन्वेस्टिगेशन कोई चल भी रही है, तो वो इन्वेस्टिगेशन में भी क्या पता उन्होंने कितना इंटरफेरेंस किया होगा ऑलरेडी, तो जब वो हम उसकी क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी यही है कि वो ऐसे लोगों को हमेशा संरक्षण देते हैं, वो कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देंगे, कि जब इस्तीफा देने में उनको ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं दोषी जो है वो साबित हो रहे हैं, लेकिन अगर पद पर बने रहेंगे तो खिलाड़ियों का ये आरोप है कि वो अपने पद का दुरुपयोग करेंगे। तो शांतनु जी, ये आज की बात है, आज से पहले 3 महीने पहले जब ये बात हुई थी, तब इन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा दूंगा ही नहीं। कृष्णा जी, आज कम से कम यहाँ तक तो आ गए कि इस्तीफा दूंगा, देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं एक दोषी की तरह रखा जाऊंगा। कृष्णा जी से जवाब लेते हैं। कृष्णा जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, देखिए क्या मजबूरी है, बीजेपी क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है ब्रजभूषण शरण सिंह पर? सुने, पहली बात है, जैसे हमारे दोस्त बोल रहे थे, बिल्कुल भटकिए मत, ये ब्रजभूषण सिंह बिल्कुल झूठ बोल रही है, 12 साल से राज कर रहे हैं, और अब इनकी एज पर स्पोर्ट्स कोड इनके 12 साल की टर्म खत्म हो रही है, जून 14 को इनकी टर्म खत्म हो रही है। नहीं, मैं तो ये इस्तीफा देना ही आपको भटकाने वाली बात है, इनका तो टाइम खत्म हो गया, अब तो इस बात पे लड़िए कि इनकी जगह कौन बनेगा, इनकी जगह इनका बेटा बनेगा, हमें इन्फॉर्मेशन है, सबको मालूम है कि ये छोड़ेंगे, इनका बेटा बन जाएगा, इनका बेटा फिर 12 साल कृष्णा जी आवाज आ रही है क्या आपको? कृष्णा जी आवाज आ रही है क्या? ठीक है, विकास जी आखिर देखिए क्या मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं कर पा रही है, और हमने देखा इससे पहले भी लगातार जो है वो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के ऐसे बयान भी सामने आ रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब ये इस तरह के आरोप जो है वो लगा रहे हैं भारतीय महिला जो पहलवान है उनके द्वारा लगाए गए हैं,
तो आखिर क्या मजबूरी देखते हैं बीजेपी की जो अभी तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है? विकास जी, उत्पीड़न और फिर दुराचार, गर्भपात, तमाम तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे आज से नहीं लग रहे, लगातार लग रहे हैं। 75वीं आजादी की वर्षगांठ पे प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश को अपना दुख व्यक्त किया था कि आज जबरदस्त उत्पीड़न हो रहा है महिलाओं का, उसमें सबसे बड़ा नाम आया शहनवाज साहब का, शहनवाज हुसैन साहब का। इसके बाद MJ अकबर साहब का मामला हो, मामले खत्म नहीं हुए, गुजरात के कैबिनेट मंत्री अर्जुन सिंह चौहान पर रेप का मामला लगा, अभी फतेहाबाद में उत्तर प्रदेश के आगरा में पिता विधायक पुत्र के ऊपर लगा, दोनों लोगों का ऊपर बड़ा आरोप था मामला, अरुणाचल प्रदेश BJP विधायक लोकम तरस का ऊपर बलात्कार का, उसमें वो जमानत पर हैं। BJP का श्रीकांत देशमुख महाराष्ट्र सरकार में BJP नेता, भारतीय जनता पार्टी और उनके मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी महिला उत्पीड़न को विषय नहीं मानते। मैंने साफ कहा, ये खेल का ही विषय नहीं है, केवल ब्रजभूषण शरण सिंह का ही नाम नहीं है जी। मैं तो एकदम सच्चाई, अगर इसकी तह तक जाया जाए, अगर एजेंसियां गुलामी ना करे, हमारे साथ खेल विशेषज्ञ और पत्रकार भी बैठे हैं, खेल क्षेत्र में लगातार महिला उत्पीड़न के मामले इन मोदी सरकार के कार्यकाल में बढ़े हैं। खेल के नाम पर महिलाओं का जो उत्पीड़न किया गया, उसका परिणाम है कि महिलाओं में खेल की जो क्षमता है वो घट रही है लगातार। कोई भी संघ ले लीजिए, चाहे वो फुटबॉल संघ हो, चाहे हॉकी संघ हो, बैडमिंटन संघ हो, उत्तर प्रदेश समेत तमाम सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जनता की गाड़ी कमाई और सरकारी खेल का जो पैसा है उसको लूटने के काम किया है और महिला उत्पीड़न में नंबर एक रही है भारतीय सरकार। अनिल जी, क्या क्या कहा जाए कि जिस तरह की जो विसंगतियां हैं जो इन तमाम खेल संघों में, उनको दूर करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार इस तरह के आरोप जो है वो लग रहे हैं, कहीं ना कहीं जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने की जरूरत है। अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल शांतु जी, शहजादी चंद्रशेखर जी ने कहा कि पहले महिला खिलाड़ी बहुत कम हुआ करती थी कुश्ती में, इन बैडमिंटन क्रिकेट इसमें हुआ करती थी, लेकिन आज हर खेल में महिला खिलाड़ी प्रतिभा कर रही है और हमारे देश का नाम रोशन कर रही है और हमारे प्रदेश का भी नाम रोशन कर रही है, अपने माता पिताओं का नाम रोशन कर रही है, अपने परिवार का नाम रोशन कर रही है। उसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो निसंकोच ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, और उसके बाद अगर कोई एक्शन किसी भी तरीके का नहीं लिए जाते हैं प्रशासन और शासन द्वारा तो ये बहुत ही निंदनीय है। और दूसरा रहा कि आज बेटी बचाओ बेटी खिलाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी बातें हैं, पहले कहते थे कि एक कहावती के गांव में मोर्च नाचा, किसने देखा किसने नहीं देखा, तो आज आप लोगों के चैनल और पत्रकारों के माध्यम से इन खिलाड़ियों को जो प्रतिभा अपना दिखाने का, प्रदर्शन करने का, अपनी प्रतिभाओं को उजागर करने तो कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि मैसेज जो है जा सके। चंद्रशेखर जी, बहुत छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि देखिए, ये तो तमाम मांगे हैं जो तमाम खिलाड़ी हैं, अगर उन मांगों को मांग लिया जाता है, मान लीजिए कि अगर गिरफ्तारी हो जाती है ब्रजभूषण शरण सिंह की और जो तमाम मांगे हैं, तो क्या ये जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म हो जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह इनसे इनके इस बार जो डिटर्मिनेशन है जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इन्हें भी मालूम है कि जब तक कि बिल्कुल फेयर जो ट्रायल नहीं होगा इनका, इनके अगेंस्ट कुछ नहीं होने वाला। ये तो वही वैसे ही जैसे BCCI में आपने चेंज किया, खिलाड़ियों की चेंज किया तो मांग है ना कि इनको अध्यक्ष पद से हटाया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए। अगर उनको अध्यक्ष पद से हटाया जाता है, गिरफ्तार भी किया जाता है, तो क्या ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये खत्म हो जाएगा? मैंने कहा ना कि पहले तो भटे की है मत, इनका अध्यक्ष पद वैसे ही खत्म हो गया, अब तो ये इंश्योर करना इनका बेटा मत आए, वरना क्योंकि BCCI में वही तो हुआ कि एक व्यक्ति गया दूसरा कौन बैठ गया। जय शाह जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। कृष्णा जी, क्या आपको आवाज आ रही है? कृष्णा दीक्षित जी, क्या आपको आवाज आ रही है? सर जी, आप सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं BJP कर रही है? क्या डर है भारतीय जनता पार्टी को?
ऐसा कोई डर नहीं बीजेपी को है। ये जो देश की आज़ादी के बाद जो खेल संघों पर कांग्रेस का कब्जा था, जब माननीय प्रधानमंत्री 2014 में मोदी जी बने और उन्होंने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से महिलाओं को, पुरुषों को, समाज के सभी वर्गों को, वंचित वर्गों सबको जो आगे लाने के लिए खेलों में जो उत्साह दिया है, प्रोत्साहन दिया है, उससे भयभीत होकर के जो देश के खेल के माफिया है वो ऐसे आरोप लगा करके भाजपा को बदनाम कर रहे हैं। और ब्रजभूषण सिंह की बात है, ब्रजभूषण सिंह पर अगर आरोप पूरी तरीके से सिद्ध हो जाएगा, जांच कमेटी पूरी रिपोर्ट दे देगी तो उनकी गिरफ्तारी भी होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है विकास जी, वो छोटा सा जवाब, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री। ठीक है विकास जी, वो छोटा सा जवाब। इसलिए कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ किसी को पूछाने का काम नहीं करना चाहिए। देखिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने 2018 से लेकर 2019 तक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई को एक 17 यौन शोषण की लिस्ट सौंपी और शिकायतों को स्वीकारा, जिसमें से 7 महिला शोषण की थी। और बताया गया है कि इसको और यह किसी और ने नहीं, 45 मामलों में से 29 शिकायत कोचों के खिलाफ किया गया है, जो महिला सशक्तिकरण पर एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण की यह संख्या जो है, उसने रिपोर्ट ने आगाह किया है कि ये 100 तक की जा सकती है। महिला उत्पीड़न को लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय जो खेल युवा मंत्री हैं, उनकी रिपोर्ट और प्रवर समिति की जो एक संसदीय समिति की जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि भाजपा शासन काल में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न खिलाड़ियों का हुआ है। देखिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यवाही कितनी बायस है कि आप देखिए मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन के केस में जिन लोगों ने जिनके ऊपर खुद आरोप लगे हुए, जो खुद दोषी थे, उनके कहने पे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ महिलाएं कह रही हैं, बच्चे कह रही हैं, जो प्रतिभावान है, जो अवार्ड विनर है, उसके बाद कहने पे कार्रवाई नहीं हो रही। सत्यपाल मलिक जो बार बार सवाल उठा रहे पुलवामा को लेके, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ लोग कह रहे हैं, इन्हीं की पार्टी के लोग इल्जाम लगा रहे हैं और यहाँ लोग सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रणाम रूप से सामने, उसके ऊपर बात करने को बीजेपी तैयार नहीं है, उसको टाल मटोल कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है, देशवासियों को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। वो सिर्फ अदानी अंबानी के लिए, पूंजीपतियों के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए शामिल होने के लिए वक्त अब इतनी ही इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उम्मीद ये की जा रही है कि देखिए FIR दर्ज हो गई है और जल्द से जल्द फेयर ट्रायल होगा और उसके बाद जो भी दोषी होगा इस पूरे मामले में उसको सजा भी दी जाएगी। तो आज कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।